हेलो दोस्तों, बहुत बार हम लोग अपनी लाइफ में कुछ डिसीजन लेने में बहुत डरते हैं, घबराहट होती है और कहीं ना कहीं लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस हम ले ही नहीं पाते। सोचते जरूर रहते हैं ना, लेकिन कहीं ना कहीं डिसीजन लेते ही नहीं हैं। डिसीजन ना लेने के कुछ मुख्य कारण, पहला फियर ऑफ फेलियर। लोग डरते हैं कि अगर उनका डिसीजन गलत हो गया तो उन्हें फेलियर का सामना करना पड़ेगा। यह डर उनके अपने कॉन्फिडेंस को कम कर देता है और उन्हें रिस्क लेने से रोकता है। सेकेंड, अनसर्टेनिटी। डिसीजन लेने के समय भविष्य के बारे में पूरी तरह से जानकारी ना होने की वजह से लोग बहुत डरते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि उनका डिसीजन उन्हें कैसा आउटकम देगा और इस अनसर्टेनिटी से डर लगता है। तीसरा, फियर ऑफ चेंज। लोग अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से डरते हैं। डिसीजन लेने से पहले लोग अपने आसपास की स्थिति में कंफर्टेबल रहना पसंद करते हैं, लेकिन डिसीजंस का लेना पहुंच को बदल सकता है और लोगों को इस चीज से डर लगता है। फोर्थ, पीयर प्रेशर। लोग अपने डिसीजंस में दूसरे लोगों के साथ कंपेयर करते हैं और दूसरे लोगों की राह पर ज्यादा डिपेंड करते हैं, और अगर उनके डिसीजंस अलग हैं या दूसरे लोगों से सिमिलर नहीं है तो उन्हें डर लगता है कि दूसरे लोगों का सम्मान खो सकते हैं या समाज में अकेले पड़ सकते हैं। फिफ्थ, पास्ट एक्सपीरियंसेस। भविष्य का डिसीजन लेने से पहले लोग अपनी पिछली बुराइयां या गलत डिसीजंस के बारे में सोचते रहते हैं। इस वजह से उन्हें डर लगता है कि वो फिर से गलत डिसीजन ना ले और इससे नुकसान ना हो जाए। सिक्स, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। कुछ लोग अपनी अपनी एबिलिटीज और डिसीजन मेकिंग स्किल्स पर विश्वास नहीं रखते। इस वजह से वो डरते हैं कि वो सही डिसीजन नहीं लेंगे और इससे उनके लिए नुकसान ही होगा। इन सब कारणों से, डर लगने से, लोग डिसीजन लेने और अपनी जिंदगी में प्रोग्रेस करने में मैकेनिक हो जाते हैं। डर को ओवरकम करने के लिए आप कुछ टिप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली, अपनी नॉलेज और रिसर्च पर विश्वास करें। सेकंड, पिछले एक्सपीरियंस से सीखें और उन्हें सीख के आगे बढ़ें। थर्ड, अपने गोल्स और प्रायोरिटीज को क्लियर करें। फोर्थ, किसी मेंटर या ट्रस्टेड एडवाइजर से सलाह लें। फिफ्थ, अपनी स्ट्रेंथ और स्किल्स पर विश्वास रखें। सिक्स्थ, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज बनाएं और कंटिजेंसी प्लान्स बनाएं। सेवन्थ, छोटे छोटे डिसीजन से शुरुआत करें और अपने कॉन्फिडेंस को ग्रेजुअली बढ़ाएं। याद रखिए, डरना नेचुरल है, लेकिन डर के बावजूद अपने गोल्स को परसू करना जरूरी है। जीवन में डिसीजन लेने से डर को कम करने के साथ आप नई अपॉर्चुनिटीज और ग्रोथ के लिए तैयार होते हैं। थैंक यू।